हेलो दोस्तों, पेट वेट टाउन में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्मर हैं, आपके पास गाय या भैंसें हैं और वो दूध दे रही है, अपने इस ब्यांत में तो उसका दूध अच्छा था, अगले ब्यांत में उसका दूध कम हो गया, क्योंकि उसका रीज़न है कि बार बार मेस्टाइटिस हो जाता है या क्या है कि कुछ अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम रह जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो गाय या भैंस है अगले ब्यांत में दूध कम कर देती है। तो क्या इसी से संबंधित एक दोस्तों MSD कंपनी का एक वीडियो है, जो आप एक छोटा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गाय या भैंस का दूध है वो अगले ब्यांत में किस तरह से वो बढ़ सकता है, और जो बार बार जो मेस्टाइटिस आ रहा है, उसको थनेला रोग आ रहा है, तो वो अपने किस तरह से उसको कवर कर सकते हैं पहले ही एडवांस में, ताकि उसको बार बार मेस्टाइटिस ना आए, अपने जो गाय या भैंस का दूध भी मेंटेन रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बोला, कितने महीने की गाभिन है तुम्हारी गाय? नमस्ते डॉक्टर साहब, उसको 8वां महीना शुरू होने ही वाला है। अरे, ये अब भी तुम उसका दूध निकाल रहे हो? इसे ड्राई नहीं किया? मैं तो जब तक दूध देती है तब तक दूध लेता हूं, कभी तो 8 महीने तक दूध लेता हूं। नहीं 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 भोला, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। गाय को समय पर यानी बच्चा होने के 7 दिन पहले से ड्राई करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये ड्राई करना क्या होता है और इससे क्या फायदा होता है? गाय से बार बार उत्तम और पूरा दूध पाने के लिए जरूरी है उसे बच्चा देने से 2 महीने पहले ड्राई करना या दूध देने से आराम देना। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा क्या होता है? भोला, मैं तुम्हें इसे विस्तार में समझाता हूं। 14 दिनों में दूध ग्रंथियां खत्म हो जाती है। 32 दिन में नई ग्रंथियां विकसित होने लगती है। 14 दिनों में दूध की ग्रंथियां पूरी तरह से विकसित हो जाती है और उत्कृष्ट कोलोस्टम का उत्पादन करती हैं। 300 दिन नई और स्वस्थ ग्रंथियां अधिकतम दूध का उत्पादन करती है। अब मेरी समझ में आया कि दूध कम क्यों हो रहा है। और इस समय गाय के थन में छिपे हुए मेस्टाइटिस करने वाले जीवाणुओं को मारना भी जरूरी है, अन्यथा ये बच्चा देने के बाद मेस्टाइटिस कर देते हैं और कई बार थन भी खराब हो जाता है। अगर पूरे 60 दिन का आराम और जीवाणुओं का नाश कर दे तो हर बार मेस्टाइटिस से बचाव और पूरा दूध लिया जा सकता है। ध्यान रखना, बच्चा देने के 60 दिन पहले गाय से दूध लेना बंद कर दे, और साथ ही इस समय के लिए बनी विशेष इंट्रामेमरी का इस्तेमाल जरूर करे, जो थन में छिपे जीवाणु का नाश करेगी, जिससे ड्राई पीरियड में और प्रसूति के बाद भी मेस्टाइटिस से बचाव करने में मदद मिलेगी।